कपूर को नहीं मिल रही उनकी नई नागिन, आखिर किन वजहों से शो को नहीं किया जा रहा ऑन एयर। दोस्तों एकता कपूर की सुपर नेचुरल शो नागिन 7 का फैंस को है बेसब्री से इंतजार। वहीं नागिन 7 से जुड़ी कई खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि नागिन 7 को ऑन एयर नहीं किया जा रहा, जिसके पीछे कई वजह है। चलिए आपको बताते हैं आखिर एकता अपने शो नागिन 7 को क्यों नहीं कर रही ऑन एयर। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने नागिन 7 के ऑफर को किया रिजेक्ट। या दोस्तों अब तक नागिन 7 से कई नाम जुड़ चुके हैं, जिसमें अंकिता लोखंडे, प्रियंका चाहर चौधरी, मनारा चोपड़ा उर्फी जावेद, रिधिमा पंडित, जेनिफर विंगेट का नाम शामिल है, लेकिन अब तक इनमें से किसी को भी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया गया है। सोर्सेस की माने तो इनमें से कोई भी नागिन 7 करने में इंटरेस्टेड नहीं है और नागिन 7 के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। नंबर 2, वहीं नागिन 6 में एकता कपूर ने बिग बॉस 15 विनर तेजस्वी प्रकाश को कास्ट किया था। ऐसे में एकता हर सीजन में किसी न किसी एक्ट्रेस को नागिन के लिए अप्रोच करती ही है। वहीं अब लगता है कि एकता को है बिग बॉस 18 का इंतजार और बिग बॉस 18 से ही किसी हसीना को एकता बनाएंगी नागिन। वहीं एकता कपूर है कई प्रोजेक्ट्स में बिजी। आपको बता दे एकता कपूर नागिन 7 को अपना पूरा टाइम देना चाहती है, वो इसे शिद्दत से बनाना चाहती है। यहाँ तक खबरें आई थी कि एकता कपूर भारी भरकम बजट के साथ नागिन 7 बनाना चाहती है, लेकिन फिलहाल एकता के हाथ में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से एकता ने नागिन 7 को होल्ड में डाल दिया है। फिलहाल आप कितने एक्साइटेड हैं नागिन 7 के लिए कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करिएगा हमारी चैनल को।